वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल रुखस्टार और मैं हूँ रुखसार। सो आज मैं आपके साथ अमेजोन कुर्ती समर कुर्ती शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें जो कि आप मिसमैच करके बहुत अमेजिंग से ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं जिसको वेयर करके। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो फर्स्ट पीस है वो है इस तरीके का ब्लाउज। सो ये मैंने ब्लैक कलर का लिया है। ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि बहुत सारी चीजों पे चल जाता है, तो मैंने लिया है यहाँ पर वेलवेट का ये ब्लाउज है और ये इतना ज्यादा लॉन्ग है कि ये बिल्कुल क्रॉप टॉप का भी काम करेगा। तो ब्लाउजेस को हम बहुत सारी तरीकों से पहन सकते हैं। सबसे पहले तो आपका क्रॉप टॉप एंड देन ब्लाउज, और आजकल आप इसे शरारे के साथ भी डाल सकते हैं, जो फुल घेर वाले शरारे होते हैं उसके ऊपर देन चुन्नी को ड्रेप करके, तो बहुत ही अमेजिंग सा एक लुक आता है गाइस। सो उसके लिए मैंने इसको मंगाया है। इससे बहुत सारे आप ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फुल स्लीव्स मिलता है, तो अगर आपकी कोई ऑफ शोल्डर ड्रेस है तो उसके अंदर भी आप इसको पहन सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा। सो इस तरीके का ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज है। इसको आप मैनी बहुत सारी चीजों पर यूज कर सकते हैं, प्लस ये वेलवेट मटेरियल है। इसमें जो साइजेस थे वो आई थिंक 32-34 ऐसे साइजेस थे, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको परचेज करें। ये मैंने 32 साइज लिया है, फिर भी ये मुझे लिटिल बिट लूज आ रहा है। इसको हम साइड से फिट कर लेंगे, यहाँ से बहुत ही आसानी से ये साइड से फिट हो जाएगा। प्लस इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप ब्राउन कलर, रेड कलर, अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग का कलर ले सकते हैं। एंड फैब्रिक बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, बिल्कुल वेलवेट काइंड ऑफ अ फैब्रिक है, तो आप इसे अंदर कुछ भी आपको पहनने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वेलवेट का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है वैसे भी, मतलब थोड़ा सा मोटा होता है ये ऑलरेडी। तो इसके साथ मैंने ड्रेप करने के लिए लिया है एक दुपट्टा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है गाइज। और ये दुपट्टा थोड़ा सा कॉस्टली भी मिलेगा इसमें, क्योंकि पूरा जरी का और पूरा स्टोन्स का काम है। प्लस ये जो मटेरियल है ये ऑर्गेन्जा मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा है। इसके दोनों साइड्स पर आपको इस तरीके की ये कटवर्क वाला डिजाइन मिलेगा। ये देखिए, मैं जरा आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये इस तरीके का पूरे में जरी वाला डिजाइन है और मोतियों के साथ इसका जो फिनिशिंग है वो पूरी इस तरीके से स्टोन्स के साथ हो रखी है। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी प्रिंटेड इस तरीके का आपको फैब्रिक मिलता है, और बीच बीच में भी इस तरीके के आपको छोटे छोटे से ना स्टोन्स मिल रहे हैं। दिस लुक्स सो प्रिटी। अगर आप किसी भी अपने सिंपल से ड्रेस के ऊपर डालेंगे या फिर इस ब्लाउज के साथ ही अगर आप डालेंगे तो ये बिल्कुल साड़ी जैसा लुक आएगा एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, एक ग्रीन भी है, एक पिंक भी है, फूशिया पिंक कलर का है, तो आपको अपने सूट से मैचिंग या फिर आपको अगर ऐसा कोई शेड लेना है, क्योंकि इस टाइप के जो पेस्टल शेड्स होते हैं ना ये बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट लिया है दुपट्टा। दिस इज आई थिंक 1000 something रुपीज़ का है ये, बट ये बहुत ज़्यादा वर्थ है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको लेने के लिए ये, तो आप ये वाली चीज़ डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है एक शमीज़ कहेंगे इसको, ये मैंने लिया है, ये बिल्कुल प्लेन है, तो मुझे अभी फ़िलहाल में ही गाँव जाना था, उसके लिए मैंने एक मैंने लिया था इस तरीके की लखनवी चिकन वाली कढ़ाई वाली जो कुर्तीज़ होती है ना वो मैंने लिया था, और ये मैंने लिया है मीशो से गाइज़। तो अगर आपने मीशो का हॉल नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरीके की ना बहुत ही सी थ्रू होती है, इसके अंदर आप कुछ ना कुछ पहनना ही होता है, तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अलग से मार्केट जाके कपड़ा लेकर आऊँ देन बनाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अमेजोन से ट्राई करूँ। तो ये मुझे यहाँ पर रिसीव हुई थी, इतनी बड़ी शमीज़ है ये, इसको लाइनिंग भी आप कह सकते हैं, काफ़ी लंबी है, तो आपकी पूरी ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी, ये देखिए पूरा यहाँ से स्टार्ट होगी और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो पूरा आपके घुटनों तक आएगा ये, यानी कि आपका जो कुर्ता होता है उसके अंदर पूरा अच्छे से फिट आ जाएगा ये, और ये बिल्कुल परफेक्ट आई है गाइज, मतलब बिल्कुल भी ढीली और टाइट नहीं है ये। मैंने जो साइज़ लिया है वो है 36 साइज, थोड़ा सा ना मुझे हिप पर ये लूज़ हो रहा है, तो उसको आप फिट करवा सकते हैं या फिर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसका 34 साइज़ लेती तो मेरे बिल्कुल परफेक्ट आ जाता ये, बट चेस्ट के पास से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये। सो इस तरीके की ये अंडर लाइनिंग है, शमीज़ है और काफ़ी थिक मटेरियल है इसका, दिस इज़ प्योर कॉटन, ये कॉटन का है गाइस, तो आपको पहनने में भी चुभने गड़ने का ऐसा कोई झंझट नहीं होने वाला। तो
ये वाली चीज मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगी एंड डेफिनेटली आप लोगों को ये वाली चीज ट्राई करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल आपको पड़ेगा, प्लस आपको मार्केट से जाके अलग से कपड़ा लेके देन दर्जी के पास सिलवाने के लिए नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके की कुर्तीज लेते हैं तो उसके लाइनिंग के लिए आप इस तरीके का कुछ यूज कर सकते हैं। डिट्टो कलर भी मैच हो गया था, तो ये मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए कि बिल्कुल कलर मैच हो गया। इसमें ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने सूट से मैच करता हुआ कलर ले सकते हैं गाइस। सो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो मैंने वेयर भी की थी गांव में एंड बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। इस तरीके की लहरिया प्रिंट की कुर्ती है, ऑल ओवर पिंक एंड ऑरेंज कलर है इसमें। ये देखिए इस तरीके की लहरिया प्रिंट के साथ है। ये बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल में आएगी गाइस। सो ऊपर की साइड पर आप देखें तो इस तरीके का आपको नेक मिलेगा, यहाँ पर कुछ गोटा पट्टी वाला काम है प्लस रेशम का काम है इसपे। और अगर आप पूरा नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पूरा लहरिया काइंड ऑफ प्रिंट है इसपे प्लस पिंक एंड ऑरेंज शेड के साथ है। और ये देखिए इसमें आपको सेंटर में यहाँ पर आपको एक कट मिलता है जो कि अगर आप कोई लाइनिंग या फिर नीचे लेगिंग्स वगैरह पहन रहे हैं तो वो भी नजर आएगी। इसके साथ मैंने ये सेम कलर की लाइनिंग पहनी थी, दिस इज ब्लू, डार्क ब्लू कलर। और इसके साथ आपको स्लीव्स मिल रही हैं, ये हैं 1/4 स्लीव्स, यानी कि आपके यहाँ तक आएंगी ये स्लीव्स यहाँ तक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये जो ब्रांड है ये है गुलमोहर जयपुर ब्रांड, और इसमें मैंने लिया है साइज स्मॉल और हल्का सा लूज है ये मेरे। अगेन ये बहुत ही एकदम फ्लोर लेंथ है मुझे, तो मेरी जो हाइट है वो है 5 feet 2 inches। अगर आपकी इतनी है तो आपको थोड़ा सा कट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। और मेरे कैमरे पे आई थिंक कुछ निशान सा लग गया है, अब इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। सो गाइज जो नेक्स्ट है वो है इस तरीके का सेट, दिस इज स्कर्ट एंड शर्ट का सेट है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ डिफरेंट एंड स्टाइलिश सा शेयर करूं जो कि आप अपने स्टाइल करने में, अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में यूज कर सकते हैं। सो ये कॉलर वाली शर्ट मुझे रिसीव हुई थी, बिल्कुल इसमें जो प्रिंट है ना वो बिल्कुल एथनिक वाला प्रिंट है, प्लस इसकी जो स्लीव्स हैं वो शर्ट वाली स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, शायद हल्की सी छोटी है ये स्लीव्स। और यहाँ पर आपको जो प्लाजो है उस कलर के आपको बटन मिल रहे हैं। ये ओपनेबल बटन्स नहीं है, आप इसको ऊपर से वेयर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की आपको शर्ट मिल रही है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश सा लुक आता है इससे, बैक से भी आपको सेम प्रिंट मिल रहा है, ये वाइट कलर की है। इसके नीचे की जो स्कर्ट है वो है रेड इन शेड। सो ये देखिए इस तरीके की रेड कलर की स्कर्ट है, इसमें भी पूरे में इस तरीके का प्रिंट है, दिस इज फॉइल प्रिंट गाइस एंड दिस इज वेरी ब्राइट काइंड ऑफ रेड। सो ऊपर की साइड पर आपको ये बेल्ट मिल रही है और ये इस तरीके का, तो ये जब आप वेयर करेंगे ना तो काफी ज्यादा सुंदर सा लुक आने वाला है। एंड असम एंड उड़ीसा में इस तरीके की ड्रेसेस भी चलती हैं, तो वहां का ही तो ये फेवरेट हो जाएगा। वहां से जो जो लोग मुझे देख रहे हैं ना प्लीज लाइक करना ना भूलें, और ऑल्सो जिन जिन लोगों को पसंद आ रही है ये वीडियो वो भी लाइक करना ना भूलें। सो ये है इसके साथ स्कर्ट, इसमें बहुत ज्यादा घेर तो आपको नहीं मिलेगा, आप नॉर्मल बेसिस के लिए या फिर कहीं पर अच्छे से स्टाइल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ले सकते हैं। ये आपको पूरा सेट यहाँ पर रिसीव होगा, ये भी मैंने अगेन स्मॉल साइज लिया है गाइज। एंड जो नेक्स्ट पीस है वो है इस तरीके का सूट प्लस प्लाजो का सेट जो कि मैंने अपने गर्मियों के कलेक्शन के लिए लिया है, ये भी मैंने स्मॉल साइज लिया था। इसमें गाइज मैंने जो मंगाया था वो मैंने मंगाया था बिल्कुल नियॉन ग्रीन काइंड ऑफ कलर मैंने मंगाया था, बट ये आया है बिल्कुल येल्लो। सो आई डोंट नो कि दिखने में वो नियॉन लग रहा था या फिर सच में ये है येल्लो, तो ये येलो सा कलर मुझे रिसीव हुआ है इसके साथ। ये देखिए इस तरीके का बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं, इसके साइड्स में इस तरीके की लेस लगी हुई है एंड बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। ये जो फैब्रिक है ये है रेयन वाला जो फैब्रिक होता है वो वाला फैब्रिक है। यहाँ पर आपको इस तरीके की फुल स्लीव्स मिलती हैं, स्लीव्स पर भी इस तरीके की लेस लगी हुई है। फ्रंट नेक आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, बैक नेक हल्का सा डीप है और बैक पर इस तरीके की ये कुछ डोरियां लगी हुई हैं, विच लुक्स सो मच प्रिटी गाइस। ओके तो नेक्स्ट पीछे का भी आपका बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट भी आपका बिल्कुल प्लेन है, इसके साथ जो प्लाजो मिल रहा है वो भी बिल्कुल प्लेन है, बट पहनने भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा।
ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको प्लाजो मिल रहा है. अगेन ये भी येलो कलर का है. और इसके साथ जो दुपट्टा मिल रहा है वो है कुछ इस तरीके का लहरिया प्रिंट का. दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इसके साथ जब आप वेयर करेंगे एंड इतने कॉस्ट में आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल जाएगा. तो ये वेयर करने पे इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. मैं साइड में फोटो लगा दूंगी कि ये दिखता कैसा है. सो ये आपको इसके साथ ये आपका पूरा सेट रिसीव होता है. ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था. आई थिंक पूरा सूट सेट विद दुपट्टा आपको 600 और 700 का मिल रहा है. तो बिल्कुल मैं इसका जो एग्जैक्ट रेट है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं पे दे दूंगी. दुपट्टे के फोर साइड्स में इस तरीके की लेस लगी हुई है विच लुक्स वेरी क्यूट काइंड ऑफ अ स्टफ. और जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये है गाइज इस तरीके की ब्लैक कलर की पेंट. बिल्कुल स्ट्रेट पेंट है. नीचे से हल्का सा बेल बॉटम आपको मिलेगा. इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. बिल्कुल स्ट्रेचेबल फैब्रिक है. प्लस इसमें सी थ्रू नहीं है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. ये इसके फ्रंट वाले साइड पर आप देखेंगे इस तरीके की एक सिलाई लगी हुई है जो कि इसको बिल्कुल ना थोड़ा सा पुराने ज़माने वाला लुक देता है. ये मेरे वेस्ट के पास बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहा है. एंड नीचे की साइड पे बिल्कुल जेड ब्लैक कलर का है. इसको मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ वेयर कर सकती हूँ. लाइक ब्लैक कलर है तो मुझे कुछ चाहिए भी था कि मैं अपनी सूट्स कुर्तीज़ के नीचे कुछ ऐसा पहनूँ जो कि मेरी बहुत सारी चीज़ों पे चल जाए. और मेरे पास ब्लैक कलर की लेगिंग जो थी मेरी वो भी पुरानी हो गई थी, तो मैंने सोचा कुछ न्यू ले लूँ जो कि मेरे काफ़ी सारे आउटफिट्स पर जाती है. सो ये मैंने इस तरीके का ये मैंने परचेज किया है गाइस. सो गाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरा ये वाला हॉल. आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये सारी ही चीज़ें पसंद आई हो. तो आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस आपको एक सिंगल लिंक भी मिलेगा माय हॉल स्टोर का. तो आपको जस्ट वहाँ पर क्लिक करना है एंड देन ऐड टू कार्ट करके आपको सारी चीज़ें परचेज कर लेनी है. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, खुदा हाफिज.